हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और आज आप लोग को हम जो कचरी बनता है दाल का, वो आप लोग को जा रहे दिखाने कैसे बनता है और कितना अच्छा लगता है खाने में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना ना भूले। चलिए, पहले उससे पहले कचरी बनने से पहले क्या क्या प्रोसेस है आप लोग को दिखाते। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप, हमने ये पहले तो सबसे पहले हमने ये दाल खेसारी का है, जो कि इसको हम पहले मिक्सर में पीसे हैं, ये देख सकते हैं। और ये हर दाल का हो सकता है, और उसके लिए ये प्याज भी काट रहे हैं हम, जो कि इसमें मिला देंगे, है ना। प्याज में मिलाना पड़ेगा ना इसमें दाल में, तो दाल में मिलाएंगे। और आगे ये देखिए मिर्चाई काट रही है। तो चलिए, और इससे आगे क्या क्या होता है सारा कुछ दिखाएंगे आपको। शाम के ये 5 बज रहे हैं और अभी तो दिन छोटा होता है, इसके वजह से जल्दी शाम हो जाता है। ये देख सकते हैं हमारे घर के आजू बाजू का ये नज़ारा। ये मेरी छोटी वाली बेटी है। बोलो बेटी, कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोलोगे? हाँ, ये क्या क्या कर रहे हो? गुलेठी खेल रहे हो? मार मार के दिखाओ, गुलेठी मारो ना, गुलेठी मारो। मार देवो। हमरे नहीं, चिड़िया को मारो, चिड़िया को। हम तो नहीं मार देंगे। अच्छा, आपको मारेंगे। अच्छा, हमको मारोगे? हाँ। तो चलो गाइस, हम अपने वीडियो की टॉपिक पे चलते हैं। और अभी ये देख सकते हैं हमने तेल गरम कर लिया है, अभी कर रहा है, अभी किया नहीं है। और ये तैयार करके रखे हुए हैं, तो ये जैसे ही गर्म होगा वैसे ही बना बना के रखेंगे इसको। और इसके बाद ये बनेगा, सिंपल है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। मैं ये प्याज और मिर्चाई को दोनों को दाल में मिक्स कर दिया है, ये देखिए। और आगे आप क्या होगा, अब इसको देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो बने रहे वीडियो में। अभी बना बना के इसमें रखते हैं, ये देख सकते हैं। ओहो, बना। हाँ, बस सिर्फ उठा के डालना है। एक बार में इसमें कितना आनी चाहिए, ये देख सकते हैं। अभी अच्छा से तो तेल भी गर्म नहीं हुआ था, लग रहा है तेल गर्म है। एक बार में कितना रखोगे? बस मतलब 6-7, है ना। चलो रखो, बस इतना ही ना। तो गाइस, आप इसको पलटी मारेंगे नहीं तो देखो नीचे जल जाएगा, तेल भी ज्यादा नहीं है। फिर इसमें तेल डालना पड़ेगा? नहीं, इतनी से हो जाएगा। चलो देखते हैं, ये देख सकते हैं, एक तरफ तो हो गया, एक तरफ होना बाकी है। गरम गरम खाने में मज़ा आता है ना। बाजार के कचरी से तो बहुत ही अच्छा होता है, वहाँ 4 दिन का 5 दिन का तेल रहता है, अच्छा तेल भी नहीं रहता है। ये लगभग हो गया है पहला राउंड का जो है, और टूट भी गया इस वजह से कि तेल थोड़ा कम है, इसकी वजह से। ये देखिए टूट गया है, नहीं जगह कम है, तेल तो सही है, इसमें जगह बहुत कम है। हाँ, क्या ये रख रखो उधर, और सफक को बुला के लेके आओ कचरी खाने के लिए। सफक को बुलाओ, किस में रखोगे इसमें? ये देख सकते हैं यार, आधा तो टूट गया। राउंड है, दूसरी बार इसमें डाले है कढ़ाई में। ये लग क्यों रहा है? हाँ, क्या सब्जी बनानी है। अच्छा, तो गाइस इसमें लग रहा है इस चलते कि पहले
कल इसमें सब्जी बना लिए थे, इस वजह से भी लगता है क्या? तो पहली बार सुन रहा। अच्छा अच्छा तो जो भी वीडियो देखेगा तो वो सीख सकता है हमारे वीडियो से कि इसको अच्छा से धोना पड़ेगा तब सही हो जाएगा ना। तो इसमें हर चीज़ बना सकते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है? इसमें ये जल जाएगा, दूसरा चीज़ बनाएंगे तो सब्जी बनने से बोल रही है कि सटवे करता है, लोखन वाला रहता है ना वो नहीं सटता। हाँ तो लोखन वाला नहीं सटता तो अच्छा अच्छा ये बात है। तो गाइस एक नया चीज मैंने अभी सीखा हूँ कि इसमें अगर सब्जी बना लेते हैं, अगर बाद में इसमें कचरी बनाते हैं तो ये सटने लगेगा। लोखन वाला मैंने और भी कुछ जैसा कि कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो भी सटेगा। तो ज़्यादातर आप लोग ये लोहा वाला इस्तेमाल किया कीजिए अगर ये सब बनाना है तो। तो गाइस फाइनली ये कचरी बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कचरी। तो चलिए आप इसको पहले खा के देखते हैं और कैसा रहा, कितना अच्छा बना, क्या कमी है इसमें, ये सब भी देखते हैं। तो चलिए खाते हैं, यहाँ पे लेके आ गया हूँ मैं खाने के लिए, तो अभी खाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। आ जा खा लो। देखो खा के कैसा बना, देखो खा के देखो। हाँ हमारी बेटी चेक कर रही है खा के कैसा लगा, बता बेटी कैसा लगा? अच्छा अच्छा है। चलिए तो अब मैं भी खा लेता हूँ। तो बहुत अच्छा बना है। शाम का टाइम हो चुका है, देख सकते हैं गाइस। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।